ऋषि की माँ नीलम ने लक्ष्मी को बेइज्जत करके निकाल दिया घर से बाहर, और घर के बाहर जा गिरी लक्ष्मी ऋषि की बाहों में, और लक्ष्मी के लिए हो गया ऋषि अपनी माँ के खिलाफ और बचाएगा शालू की जान। लेकिन बलविंदर लक्ष्मी के सामने मरवा देगा ऋषि को और ऋषि की जान पर आ गया बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी अपनी बहन शालू को बचाने के लिए रोते हुए अपनी सारी हदें पार करके और अपनी इज्जत को और अपने शौर्य को नीचे झुकाकर ऋषि की माँ लक्ष्मी के पैर पकड़ के भीख मांगेगी और कहेगी कि मुझे कुछ हजार रुपए नहीं बल्कि 50 लाख रुपए चाहिए, इसलिए प्लीज आप मेरी शालू के लिए मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे पाई पाई जोड़कर ब्याज के सूद समेत लौटा दूंगी। तभी यह सुनकर ऋषि की माँ लक्ष्मी को कहेगी, हम गैरों को लाखों की भीख नहीं देते, इसलिए तुम जहाँ से आई थी वहाँ पर फिर से चली जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब लक्ष्मी काफी ज्यादा रोते हुए नीलम के पैर पकड़ के कहेगी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरा यहाँ पर है ही कौन, तभी सुनकर नीलम कहेगी, तुम गैर हो और हमारी अपनी नहीं हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। तब यह सुनकर लक्ष्मी नीलम के पैर पकड़कर रोती रहेगी और नीलम करिश्मा बो और मलिश्का को कहेगी, कोई इसे हटाओ, अरे इसे कोई हमारे घर से बाहर निकालो। तब यह सुनकर करिश्मा बो काफी गुस्से से जब लक्ष्मी का हाथ पकड़ेगी और कहेगी कि नीलम जी से दूर रहो, आइंदा से इस घर में कभी मत आना, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी आखिरी दम तक अपनी बहन शालू के लिए कहती रहेगी, प्लीज मेरी बहन को बचा लो। लेकिन करिश्मा बो और मलिश्का बड़ी बेदर्दी से लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देंगे और घर के बाहर जाते ही लक्ष्मी की टक्कर हो जाएगी ऋषि से और बड़े राज का खुलासा होगा कि ऋषि ने अपने पूरे परिवार की बातें और अपनी माँ नीलम को लक्ष्मी को बेइज्जत करते हुए सुन लिया होगा। जहाँ पर जब नीलम सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे की ओर जाएगी और कहेगी कि यहाँ पर सभी लोग सुन लो कि इस घर में गैरों की जगह नहीं है, तब ऋषि लक्ष्मी को थाम कर कहेगा, लक्ष्मी गैर नहीं है, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, लक्ष्मी इज माय वाइफ, इसलिए इस घर में कोई भी यानी कि कोई भी लक्ष्मी को गैर नहीं बोलेगा और बहुत कर लिया आप लोगों ने लक्ष्मी की बेइज्जती, अब मैं लक्ष्मी को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। यह सब अचानक से ऋषि के मुंह से सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और नीलम कहेगी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तब ऋषि अपनी माँ के खिलाफ जाते हुए कहेगा, मुझे सब कुछ पता है और पता है कि किस तरह आपने लक्ष्मी की अपनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन की भी नहीं करता जितनी अभी आपने लक्ष्मी की बेइज्जती कर डाली। यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी लेकिन ऋषि लक्ष्मी के लिए और शालू के लिए अपनी माँ नीलम के खिलाफ जाकर आखिरी फैसला सुनाते हुए कहेगा कि मैं करूँगा लक्ष्मी की मदद और लक्ष्मी की बहन अभी शालू खतरे में है ना, तो मैं बचाऊंगा शालू को और तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तब यह सुनकर जब नीलम ऋषि का नाम पुकार कर जोर से चिल्लाएगी तब ऋषि कहेगा, बस आगे और एक शब्द नहीं माँ, क्योंकि आज जो मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से, और आज तो लक्ष्मी की जान से भी ज्यादा प्यारी बहन उसकी शालू खतरे में है, इसलिए अब मेरा फर्ज है कि मैं लक्ष्मी की मदद करूँ और मैं वो करूंगा। ये सब कहकर ऋषि लक्ष्मी की बहन शालू को बचाने के लिए अकेला चला जाएगा। यहाँ पर जब ऋषि लक्ष्मी के साथ बलविंदर के अड्डे पर पहुँचेगा तभी ऋषि शालू को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना बलविंदर के सारे गुंडों से लड़ेगा और शालू को बचा लेगा। लेकिन आखिर में बलविंदर मार देगा ऋषि के सर पर जोर से डंडा और ऋषि हो जाएगा बेहोश। और अगर ऋषि को कुछ हो गया तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, और ऋषि को पूरे परिवार के खिलाफ जाकर लक्ष्मी का साथ देना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को ऐसे ही एक साथ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसे लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।